अंबेडकर नगर में दो पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष पर धावा बोल दिया। मारपीट के दौरान ईंट और पत्थर भी चले। इतना ही नहीं, हमलावरों ने बाहर खड़ी दो बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट में एक पक्ष से दो युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से प्राथमिक इलाज के बाद एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मारपीट और दबंगाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के चंदेली गांव का है, जहां दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के आधा दर्जन लोग लाठी डंडे से लैस होकर पहुंच गए और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। इतने से भी मन नहीं भरने पर मकान मालिक को लाठी डंडों से पीटने लगे। इस दौरान वहां मौजूद ट्रैक्टर के चालक को भी पीट दिया। वहाँ पे दो बच्चों के बीच में थोड़ा हल्का इसे बात विवाद हुआ था, उसके बाद ये लोग आए रात को 7:30 बजे और घर पे चढ़ के करीबन 8-10 लोग थे। उसके बाद वहाँ मारपीट किए, गाड़ी तोड़े, हमको मारे। हम वहाँ गए थे पैसा लेने, गाड़ी ड्राइवरी हम लेने गए थे। उसके बाद हमको वहाँ बहुत मारे, हमारा सर फट गया। और एक लोग को मारे, हमारे मालिक हैं चंदन सिंह, उसका रिफर हो गया यहाँ से, जो कि वो फैजाबाद में है। किस चीज़ को लेके विवाद हुआ था? बस वैसे थोड़ा गाली गलौज हुआ था और ज़्यादा कुछ नहीं। वहीं पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी। इधर जब इस पूरे मामले पर एसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी उनके संज्ञान में मामला नहीं आया है, तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबेडकर नगर से कार्तिकीय द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।